ग्रीन बिल्डिंग सेंटर घरे में अपना भरोसा कह सकी थे। हमारे उत्पाद हाँ ACC ईंट, ग्रीन पेवर्स, ACC ग्रीन प्री कॉस्ट बाउंड्री वाल, लाल ईटन से सस्ता, चार गुना मजबूती एवं ACC के विश्वास। पता है ओड़गड़ी बरगवा सिंगरौली। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के वोटिंग के बाद आज से यह साफ हो जाए कि प्रदेश में कौन पार्टी अपन सरकार बनाने वाली है। सूबा के 230 विधानसभा सीट में काउंटिंग शुरू होने के बाद लगातार रुझान सामने आवला है, जहां BJP लगातार अपन बढ़त बनाए है। रीवा जिला के 8 सीट निर्णायक भूमिका में है, जहाँ बता दी कि 2018 के चुनाव में तमाम 8 सीट में BJP के द्वारा जीत दर्ज की गई है। कांग्रेस के पास यहाँ ज्यादा खोवे का कुछ नहीं है। तो विदेश क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचे सभाजन का प्रणाम करी थे, शुरू करी थे बड़ी खबर से। बता दें कि एक बार रीवा जिला के 8 विधानसभा में BJP या कांग्रेस में अगर केकर जादू छावत है कर बात की जाए, तो बता दें कि रीवा विधानसभा सीट पर कुल 15 प्रत्याशी मैदान महामा, जहाँ BJP के राजेंद्र शुक्ल और कांग्रेस के राजेंद्र शर्मा के बीच मुख्य रूप से मुकाबला है भाई। जबकि दोनों के अलावा सपाक्स, बसपा, सपा, आप के अलावा निर्दलीय और अन्य पार्टी के उम्मीदवार खलाए मैदान में उतरे हैं। इस सीट में करीब 68.28% वोटिंग दर्ज की गई रही। रीवा जिला के गुड़ विधानसभा सीट पर कुल 20 प्रत्याशी मैदान वहां, जहां BJP के नागेंद्र सिंह और कांग्रेस के कपिध्वज सिंह के बीच मुख्य रूप से मुकाबला माना जा रहा है। दोनों लोगों के अलावा जन आधार पार्टी, बसपा, सपा, आप के अलावा निर्दलीय और अन्य पार्टी के उम्मीदवार गलाए मैदान महामय सीट में 77.64% वोटिंग दर्ज की गई रही। सिरमौर में अगर बात की जाए तो 14 प्रत्याशी मैदान में हुआ, जहां BJP के देवराज सिंह और कांग्रेस के राम गरीब कोल के बीच मुख्य रूप से मुकाबला माना जा रहा है। दोनों के अलावा PPI, बसपा, सपा, आप के अलावा निर्दलीय और अन्य पार्टी के उम्मीदवार गला चुनाव मैदान में उतरे हम, यहां 64.22% वोटिंग दर्ज की गई। सिमरिया विधानसभा सीट पर बात की जाए तो 15 प्रत्याशी मैदान में हुआ, जहां BJP के KP त्रिपाठी और कांग्रेस के अभय मिश्रा के बीच कड़ी टक्कर मानी जात रही। दोनों के अलावा बसपा, सपा, आप के अलावा निर्दलीय और अन्य पार्टी के उम्मीदवार मैदान में हम, इस सीट में 70.88% वोटिंग दर्ज की गई रही। त्योथर में 12 प्रत्याशी मैदान में रहे, जहां सीट में BJP के सिद्धार्थ तिवारी और कांग्रेस के रमा शंकर सिंह पटेल के बीच मुख्य मुकाबला है। दोनों के अलावा जन आधार पार्टी, बसपा, सपा, आप के अलावा निर्दलीय और अन्य पार्टी के उम्मीदवार गलाए मैदान में उतरे हैं। या मेरे से नवगठित मऊगंज में बता दी कि विधानसभा सीट में कुल 12 प्रत्याशी मैदान में हम, जहाँ BJP के प्रदीप पटेल, कांग्रेस के सुखेंद्र सिंह मन्ना के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही। दोनों के अलावा जन आधार पार्टी, बसपा, सपा, आपके अलावा निर्दलीय और अन्य पार्टी के उम्मीदवार मैदान में हम। देवतालाब से BJP के गिरीश गौतम और कांग्रेस के पद्मेश गौतम के बीच मुख्य मुकाबला है, जबकि सीट में कुल 12 प्रत्याशी मैदान में रहे। एक के अलावा जन आधार पार्टी, बसपा, सपा, आप के अलावा निर्दलीय और अन्य पार्टी के उम्मीदवार खलाए मैदान में उतरे हम। मनगवा 12 प्रत्याशी मैदान में हम, जहाँ बबीता साकेत और BJP के नरेंद्र प्रजापति के बीच टक्कर ही वह। दोनों के अलावा जन आधार पार्टी, बसपा, सपा, आपके अलावा निर्दलीय और अन्य पार्टी के उम्मीदवार मैदान में हम। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो अब तक के होने वाली मतगणना में यह सामने वाला है कि जिला के 6 सीट पर BJP के द्वारा बढ़त बढ़ाई गई है, जबकि सिमरिया के बात की जाए और त्योथर में बात की जाए तो सिमरिया से अभय मिश्रा आगे चल रहे हैं, जबकि त्योथर से कांग्रेस बता दी कि दोनों जगह में त्योथर और सिमरिया ऐसा जगह है कि हाँ दोनों में कांग्रेस जो है अब तक के रुझान में जो है अब तक की मतगणना में ये दोनों जो है प्रत्याशी आगे चल रहे हम। सजग रही, सतर्क रही, रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल। दे इजाजत, प्रणाम।